गाइस सुबह के 6 बजे और अभी मैं निकल रहा हूँ अंकल लोग का घर। तो गाइस फिर से आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और नए ब्लॉग का साथ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लिप लब का यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का ये ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा सिंगफो ट्राइब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल रिचुअल, जो कि किसी यूट्यूबर या ब्लॉगर्स ने आज तक तो आप लोग को नहीं दिखाया होगा। तो गाइस 2 दिन का पूरा सीन जितना तक हो सके मैं आप लोग को दिखाने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो गाइस देखो, मेजोरिटी ऑफ सिंगफो पीपल्स इन इंडिया फॉलो बुद्धिज्म, ओके। मतलब सिंगफोस आर बुद्धिस्ट बाय रिलीजन, ठीक है, अभी का टाइम में। लेकिन जो हम लोग का एंसेस्टर था, तो वो लोग का ये एक फॉक रिलीजन था कि देखो वेरियस गॉड्स एज वेल एज स्पिरिट्स ऑफ देयर एंसेस्टर को वर्शिप करना, यानी कि पूजा करना, ओके। तो जो हम लोग का एंसेस्टर था ना, तो वो लोग ने बाद में जाके बुद्धिस्ट को एज ए रिलीजन एडॉप्ट करने का बात भी, गाइस अभी का टाइम में वी डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप द इंडिजनस रिलीजन, ओके। बट नाउ दिस कुछ चेंजेस आ गए, ये सब में किसके चलते ये सब चेंजेस आए वो मैं बताऊंगा आप लोग को वीडियो का एंड में, ठीक है। तो गाइस इस रिचुअल से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहो। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो का अंत तक बने रहो। तो चलो गाइस बिना किसी देर के आज का ये इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। तो गाइस फिलहाल अंदर में क्या हो रहे मैं वो दिखाऊंगा आप लोग को थोड़ा देर बाद में, ठीक है। तो अभी तो मुझे एक काम मिल गया। अंकल बोल रहे कि कल मतलब पूजा में कौन कौन आएगा, तो वो लोग को इनविटेशन देने बोल रहे हैं, जाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं इनविटेशन दे के आता हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आदमी लोग को नहीं बुला रहे इस बार, क्योंकि कोविड की वजह से, कोविड का चलते मतलब ज़्यादा गैदरिंग नहीं होने, ठीक है। तो ये एक दो घर को बुलाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं जाके आता हूँ। ओए अबा ना কালি নদম চালো আৰু আপোনাক অলপ সহায় কৰিবলৈ মাতিছে, দেখ আহিব আপুনি। অ'কে অ'কে নাজাও না, নদম চালো না, নামি না নাজাও না, নদম চালো না, মই নাম ভনী মোৰ নাম নদম চালো না, নামি। মেনে মেৰা যো ভি কাম থা ইনভাইটেশ্যন দেনে ৱালা, তো মই কৰকে আ গিয়া হওঁ, ঠিক হে। তো গাইজ চলো আপ লোক কো মই ঘৰ দিখাতা হওঁ, যো কি আম লোক কা বহুত পেলে কা ঘৰ থা। তো ইয়া পে না আবি কোই ভি নেহি ৰেতে, তো অংকল লোক ও বোলে ঘৰ মে ৰেতে, ठीक है। वाला घर में रहता है, तो ये वाला जो घर है हम लोग पहले यहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहा करता था, तो अभी सब लोग अलग अलग हो गया। तो ये वाला घर जो है मेरा सबसे छोटा वाला अंकल, ठीक है, ये सबसे छोटा वाला अंकल है। तो साल हो गया अभी, मेरा जो ग्रैंड मदर है वो भी गुजर गया, और ग्रैंड फादर तो बहुत पहले गुजर गया था। तो चलो हम लोग अभी काम, आज का काम जो भी है स्टार्ट करेंगे। ये सामान वगैरह ले लिए, तो चलो गाइस। तो जो भी यहाँ पे पुराना चीज़ लगा हुआ है वो सब हम लोग खोल देंगे, ठीक है। पूरे 1 साल का बात हो रहा है, तो इसके लिए नया जो भी है यहाँ पे नया लगना चाहिए। तो गाइस देखो हम लोग ने पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए, ठीक है। एक काम हो गया है हम लोग का, तो भैया हम लोग मिलके मतलब पूरे साफ़ कर लिए अच्छे से। तो अभी हम लोग को जाना है बैम्बू काट, हम लोग
बैम्बू से जो भी काम होगा उसका साथ हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। और एक बात मैं बता दूँ आप लोग को कि देखो ये जो लोकेशन होता है ये एकदम कॉर्नर में होता है, ठीक है, घर के बाउंड्री का एकदम कॉर्नर में ये होता है। और गाइस ऐसा धूप में ना काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या ही करें, अभी ये सब तो करना ही पड़ेगा, है ना, घर का काम होता है। तो गाइस धूप देखो, आप लोग धूप देखो यार, इतना ऐसा वाला धूप दे रहा है ना आज, मतलब क्या ही बोलूँ, पसीना छूट गया हम लोग का, ठीक है। तो गाइस अभी तक अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो जाके, और गाइस क्या ही बोलूँ, वीडियो में बने रहो, ठीक है, वीडियो में बने रहो, देखते रहो कि और क्या क्या होता है। तो मैं भैया के साथ अभी ये करने वाला हूँ, ये बनाने वाला हूँ। ये मेरा भैया है, बड़ा भैया। देखो गाइस हम लोग ना, हम लोग नंबर्स ऑफ स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ स्पिरिट्स एंड दे रिसाइड्स एवरीवेयर हुम दे टर्म एज नट, ठीक है। और जो उसका इंडिजिनस रिलीजन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं नटकन। तो सिंपली समझ लो कि नट मीन्स हो गया स्पिरिट्स और गन मीन्स हो गया प्रोटेक्टर। इसका मतलब कि हम लोग उसको पूजा करते हैं, मतलब वर्शिपिंग ऑफ ए स्पिरिट्स ऑफ द प्रोटेक्टर, मतलब प्रोटेक्टर का जो स्पिरिट्स होता है उसको हम लोग पूजा करते हैं, ओके ना। और देखो और ये जो हम लोग का स्पिरिट है ना नटकन, ये बिलीव करते हैं मतलब दोनों बहुत, मतलब वेल वोलेंट और बेनिवोलेंट दोनों पावर में हम लोग वो करते हैं, ठीक है, विश्वास करते हैं। तो अभी आप लोग सोच रहा होगा कि ये क्या होता है, मतलब मेल वोलेंट बेनिवोलेंट पावर क्या होता है। तो ठीक है, एकदम आसान भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ मेन वोलेंट और बेनिवोलेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो रिचुअल ना, जो रिचुअल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल बिलीव्स, मतलब जो भी प्रैक्टिस है, मतलब ठीक है, तो वो हम लोग का ट्रेडिशनल, खुद का ट्रेडिशनल जो इंडिजिनस रिलीजन का जो हम लोग का ट्रेडिशनल प्रीस्ट होता है, ठीक है, तो उसको जिसको हम लोग धुमसा बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है, वो करेगा, मतलब वो लोग ये यूज़ करते हैं, मतलब एक चेन हिम्स यूज़ करेंगे टू इन्वोक द बेनिवोलेंट स्पिरिट्स, ओके। और देखो टाइम टू टाइम जो होते रहते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम जो होते रहते हैं रिचुअल्स, मतलब कि समझ लो हम लोग का लाइफ में जो भी मिजरीज और जो भी मिस फॉर्चून होता है ना, मतलब क्रिएट करता है उसको, जो मतलब उसको जो क्रिएट करता है जो स्पिरिट्स है, ठीक है, उसको उसका एपीसमेंट के लिए या उसका समझ लो कि उसको प्रोपिशिएट करने के लिए मतलब जो रिचुअल करता है, तो वो हो गया, ठीक है, मेल वॉलेंट मतलब रिचुअल्स। ट्रेडिशनल प्रीस्ट आर अवेलेबल इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो देखो इसका कारण ये भी है कि मतलब जब हम लोग ने बुद्धिस्ट रिलीजन को एज ए रिलीजन मतलब एडॉप्ट किया था ना, तो कहीं ना कहीं वो जो हम लोग का फोक रिलीजन था, इंडिजिनस रिलीजन था, तो वो ओवरशैडो बन के रह गया कहीं ना कहीं, मतलब। तो इसका वजह से क्या होता है, मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, हम लोग का ट्रेडिशनल जो भी रिचुअल्स होते हैं, सेक्रीफिशियल जो भी ऐसे रिचुअल्स होता था, तो मतलब वो हम लोग का बुद्धिस्ट प्रीस्ट लोग नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स मतलब ये सब मानता नहीं था ना। तो गाइस वैसा है, मतलब ऐसे ही समझ लो कि इसलिए अलग अलग हो गया कि ट्रेडिशनल रिचुअल्स करने वाला अलग है और मतलब बुद्धिस्ट लोग का जो भी रिचुअल्स होते हैं उसका रिचुअल्स करने वाला अलग अलग मतलब प्रीस्ट होते हैं। तो गाइस ये मेरा बहन है, हाय बोल दो। हाय। तो गाइस देखो अभी बाहर में जो भी काम चल रहा है ना, तो हम लोग बाहर का काम कर रहे हैं, तो अंदर जाके मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि देखो मैं बाहर में काम कर रहा हूँ, तो अंदर में जो भी काम चल रहा है ना मेरा बहन मतलब थोड़ा बहुत वीडियो कर देगा, ठीक है। तो आप लोग को जो भी क्लिप देखने मिलेगा ना तो मेरा बहन करेगा, ठीक है, बहन का क्या हुआ क्लिप देखने को मिलेगा आप लोग को, ओके गाइस, ठीक है, चलो।
আৰু এই বেন ৰুটি খাৰে মেবি খাৰাও চাই तो गाइस अभी खाना वाना खा लिया है मैंने और आप लोग देख सकते हो इसको जो है इसको जो हम लोग का वहाँ पे जो मॉर्निंग को जो नियम करेगा तो मॉर्निंग का टाइम में वहाँ पे जो भी हम लोग का जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स है वो लोग को मतलब फूड ऑफर करते हैं हम लोग मॉर्निंग टाइम को, ठीक है। तो उसके लिए ये बना रहे हैं, बाद में मैं दिखा दूँगा ये कैसे लगेगा वहाँ पर। तो चलो फिर से वहीं पर चलते हैं। इसको हम लोग गाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का मॉर्निंग में जो भी हम लोग स्पिरिट्स को जो भी फूड ऑफर करते हैं तो उसके लिए ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे अभी गाने वाला है। तो गाइस ये यहाँ पे लग चुके हैं और जो मैंने थोड़ा देर पहले जो दिखाया था ना तो वो लगने वाला है ऊपर में, ठीक है। चलो तो और इधर भी हो रहे हैं, तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी तो पूरा थक चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो पूरा दिन काम करके थक चुके हैं अभी, लेकिन अभी लास्ट और एक काम रह गया, तो वो है वो जो होता है ना छोटा वाला बेम्बू, वो लेने जाना है, ठीक है। तो वो मिलता है जंगल में, तो चलो जंगल में जाके लेके आते हैं उसको, ठीक है। तो बने रहो गाइस। और ये देखो हम लोगों ने काट लिया। तो ये अंकल यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं एकदम प्योर वाला, चूना से लगाने से ज़्यादा कलर होता है। इसलिए चूना थोड़ा लगा के, अच्छा चूना थोड़ा लगा के हल्दी लगाने से कलर अच्छा ज़्यादा अच्छा होता है, गहरा वाला कलर आता है मतलब। हाँ अच्छा, तो यहाँ पे देखिए चूना मिक्स करना पड़ता है, ठीक है। ये रो वाला यूज़ करना चाहिए, जो हल्दी का जो रो वाला होता है जो बाज़ार में मिलता है वो कुछ काम नहीं करेगा। तो गाइस हम लोग फिर से वो वाला जगह में जा रहे हैं, ठीक है, तो देखने के लिए कि क्या कुछ काम बाकी रह गया वहाँ पे। और गाइस ये देखो मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे ऊपर जो भी होते हैं सैंड तो थोड़ा बहुत डाल दिए वहाँ ऊपर में, ठीक है। तो ये जो आप लोग को मैंने दिखाया था वो भी ऊपर में लगा दिए, ठीक है। और ये यहाँ पे भी सेट हो गए, देख सकते हो। ऊपर में और भी एक चीज़ आएगा वहाँ पे रखने से, मतलब जो भी स्पिरिट्स को मतलब जो भी फूड या जो भी ऑफर करेगा तो मतलब वो नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है, अच्छे से वहीं पे रहेगा। तो ठीक है आप लोग को मैंने दिखा दिया। चलो गाइस थोड़ी ही देर बाद ना यहाँ पे इसी जगह में पूजा होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग का जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट होते हैं तो वो आएगा, फिर यहाँ पे पूजा करेगा, ठीक है। तभी उस टाइम में आना है और कैंडल वगैरह हम लोग लगाएंगे पूरा यहाँ पे, वहाँ से रास्ते से लेके यहाँ तक पूरा कैंडल लगाएंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा बाद में मैं आपको पूरा सीन दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो गाइस, तो हम लोग का वैसे स्पिरिट्स और रिचुअल तो बहुत सारा होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल रिचुअल या जो भी मतलब जो भी हम लोग का स्पिरिट्स को हम लोग मतलब वर्शिप करते हैं, है ना, ट्रेडिशनल रिचुअल्स जो होता है बहुत सारा होता है। लेकिन आज जो हम लोग रिचुअल कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जो रिचुअल कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल रिचुअल में से ये एक है। क्योंकि देखो स्टिल ये मतलब जो रिचुअल है स्टिल परफॉर्म बाय द सिंह फोर्स, ओके। तो देखो ये जो रिचुअल है इसको आप बोलो निंगसे रिचुअल या मुन्नत रिचुअल, वैसे सब लोग का अलग अलग होता है। एंड ये जो रिचुअल है इज़ बेसिकली टू प्रोपिशिएट स्पिरिट्स लिविंग इन द एयर, लिविंग इन द स्काई, ठीक है। और देखो गाइस ये रिचुअल ऐसा नहीं कि देखो कोई एक आदमी को विश से होता है, ठीक है। रेदर इट इज़ परफॉर्म, ठीक है, व्हेन एनी अननेचुरल थिंग्स हैपन टू अ फैमिली, ठीक है, तभी ये रिचुअल होता है, ओके ना। तो और देखो जो ये रिचुअल है इसको स्पॉन्सर्ड करता है एक पर्टिकुलर फैमिली, और पूरे गांव के आदमी लोग को बुलाता है और
जो इवनिंग टाइम में है, जो कि अभी थोड़ा देर बाद होने वाला है, तो वो तो मतलब अपने घर का आदमी लोग ही वहाँ पे पूजा में बैठते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग में पूजा होगा कल जो मॉर्निंग में पूजा होगा वहाँ पे पूरा गांव का आदमी लोग बैठेगा, लेकिन अभी तो पूरा गांव का आदमी लोग आने वाला है नहीं, क्योंकि बुलाए नहीं तो आएगा नहीं। तो बात ये है, कोरोना की वजह से ज़्यादा आदमी नहीं बुलाए, तो जिसको भी बुलाए वो आदमी लोग आएगा, पूजा में बैठेगा, और जो हम लोग का बुद्धिस्ट मॉन्क है तो वो लोग भी आएगा, साथ में मिल के पूजा करेगा। फिर उसका बाद जो है, जो हम लोग का इस रिचुअल का जो मतलब क्या ही बोलूँ उसको, सेरेमोनियल फूड सेक्रीफाइस तो होता नहीं, तो इसलिए ना मतलब जो भी है नॉर्मल सा एक फूड मतलब सबको देगा, और वही है हम लोग का जो मतलब इस रिचुअल का फूड जो, ठीक है ना, वो जो पार्ट है सेक्रीफिशियल वाला जो पार्ट है इस रिचुअल में, ठीक है। तो अभी भी कोई कोई ओरिजिनल फॉर्म में करता है, लेकिन ज़्यादातर अभी लोग अभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत पहले ना मतलब जब हम लोग का एंसेस्टर लोग ने जब बुद्धिस्ट को एज ए रिलीजन एडॉप्ट किया, तब उसका बाद से मतलब जो भी चेंजेस आए, देखो वहाँ पे रिप्लेस हो गया ये एनिमल का जगह में ये छोटा वाला एनिमल, ठीक है, मतलब ऐसे रिप्लेस होते गया मतलब, और अभी भी कई कई जगह में वही ओरिजिनल फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन कई कई जगह में रिप्लेस कर दिया गया है कि ये एनिमल का जगह में ये एनिमल। पहले तो यार बहुत बड़ा बड़ा एनिमल को सेक्रीफाइस करता था, एलिफेंट बफेलो काउ ये सबको, ठीक है। तो अभी तो नहीं करते, ठीक है, पीक तक जाता है लेकिन इतना बड़ा बड़ा एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं करता है। और देखो ये जो रिचुअल है ना, ये रिचुअल मतलब देखो जो हम लोग का डिकीज पर्सन होता है, ठीक है, पहले जो मर चुका है आदमी लोग, और जो हम लोग का एंसेस्टर्स जो होता है, ठीक है, एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, वो लोग का स्पिरिट्स एंसेस्टर सबका स्पिरिट्स, तो वो लोग को मेनली वो लोग को पूजा करते हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पे, वो लोग का जो भी स्पिरिट है ना उसको प्रोपिशिएट करने के लिए, मेनली उसको प्रोपिशिएट करने के लिए यहाँ पे जो हम लोग का मतलब प्रीस्ट है, बुद्धिस्ट प्रीस्ट, तो वो मतलब वो लोग को प्रोपिशिएट करने के लिए ये रिचुअल करता है, ठीक है। तो इसलिए ना इसको मतलब बोल सकता है कि स्पिरिट्स बिलोंग टू ए फैमिली, और इसलिए इसको मतलब फैमिली स्पिरिट भी बोला जाता है। और गाइस इंटरेस्टिंग बात ये है ना, जो हम लोग का ट्रेडिशनल जो प्रीस होते हैं वो लोग पहले ना इस रिचुअल में वो लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब हम लोग का एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स हो या हम लोग का डिकीस जो भी फैमिली मेम्बर का डिकीस स्पिरिट्स हो, तो वो लोग को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो मतलब उसको क्या करते हैं मतलब फैमिली का साथ जोड़ते हैं कि यार मतलब फैमिली से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालता है। तो ये छोटा वाला जो बेम्बो हम लोग जंगल से लेके आया था, तो यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह डाल के हम लोग लेके आए हैं ये वाला लोकेशन में। तो यहाँ पे आप लोग को एक एक करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ये मेरा अंकल भी डाल रहे हैं, तो गाइस कुछ देर बाद ना शाम होने वाला है, और मेरा अंकल बोल रहे कि कल जो मॉर्निंग में जो पूजा होगा तो उसके लिए जो हम लोग का जो बुद्धिस्ट मॉन्क आता है यानी भंते आता है, तो उसको इनविटेशन देने जाने के लिए मुझे बोल रहे, तो मैं इनविटेशन दे के आता हूँ। ये फूल वगैरह ले लिए मैंने, ठीक है, तो भंते को मतलब इनविटेशन देने का टाइम में फूल ऑफर करना होता है, तो फूल तो ले लिया है मैंने, और साथ में मेरा बहन जा रहा है तो उसको मैं उसका घर से पिक करता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस, बहन जी आ जाओ। কালি আপনার মক কইব কানে পাম করছি কালি কালি আপনার লবা আহিব লাগিব তো গাইস আবি ঘর যাকে আয়া হুম নহা কে আ গিয়া। तो अभी जो हम लोग का बुद्धिस्ट प्रीस्ट है पुजारी तो आ चुके हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो गाइस अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, पूजा करने के लिए। और देखो गाइस मेरा आँखों क्या हो गया पता नहीं, लाल लाल दोनों आँख पता नहीं क्या हो गया। तो गाइस चलो वहाँ पे चलते हैं।
तो गाइस इतना पीस वाला फील हो रहा है ना, क्या ही बोलूँ आप लोग को। देखो वो रास्ते तक लगाया हुआ है हम लोग ने, ठीक है, बहुत दूर तक। आपको शायद अभी अच्छे से पता नहीं चलेगा, नंगी इसका मैं एक बार सुन लूँ। तो देखो वो रास्ते तक है, और गाइस ये मॉर्निंग के लिए पीठा बनाने के लिए एक काजू चेरी और किशमिश। और यहाँ पे थोड़ा चीनी भी ऐड करना है ना, नारियल छोटा छोटा काट के दे दिए वहाँ पे, है ना, मिक्स करके। और ये भी मिक्स करने वाला है यहाँ पे, जो काजू है, किशमिश और चेरी, ये भी मिक्स करने वाला है। और गाइस ये सब मॉर्निंग के लिए और कुछ तैयारी चल रही है मॉर्निंग के लिए। इधर मछली फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये पीठा बन रहे। तो ये पीठा मैंने जो अभी थोड़ा देर पहले दिखाया था आप लोग को, चेरी काजू और नारियल और किशमिश मिक्स करके बनाया हुआ पीठा है ये। हम लोग कल लोकल मतलब ट्रेडिशनल पीठा है ये, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बनाया हुआ पीठा, इसका चेहरा देख सकते हैं आप लोग, है ना बढ़िया। चलो इसको तो आप लोग को पता होगा क्या है ये, इसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन इसका हम लोग का जो लोकल नेम है वो है सिपा, ठीक है, सिपा है इसका लोकल नेम। गाइस इसको देखो, ये जो है ना, ये जो हम लोग का स्टीम राइस होता है उसको बनाने में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। गाइस अभी मॉर्निंग के करीब करीब 6 बज चुके हैं और मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है, अंकल लोग के घर में। तो आइए देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या बना रहे हैं। तो चलो गाइस अभी मुझे जाना है मंदिर, ठीक है। तो अभी मॉर्निंग में जो भी खाना वाना बनाया है, जो भी पीठा वीठा खाने का चीज़ जो भी बनाए ना, पूजा में आने वाला आदमी लोग को देने के लिए, तो उसको पहले मंदिर में देने होता है फिर खाने होते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ मंदिर, ठीक है, लेके आता हूँ। तो चलो तो गाइस हम लोग मंदिर निकल गए, ठीक है, हो दा सो मानी सो। और गाइस यहाँ पे पूजा के लिए ये सब तैयारी चल रहे खाना भी रेडी हो चुके हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गाइस देखो फाइनली जाके ना, तो आज का ये जो हम लोग का रिचुअल था तो इसका पूरा काम करके अभी ख़त्म हो चुके हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो का स्टार्टिंग में ही बोल के रखा था कि ये जो हम लोग का इंडिजिनस जो रिलीजन है या हम लोग का जो सेक्रीफिशियल रिचुअल होता है, तो वहाँ पे मतलब कुछ चेंजेस आने का रीज़न बताऊँगा बोल के तो आप लोग को मैंने बोल के रखा था। तो देखो गाइस ये जो हम लोग का इंडिजिनस रिलीजन है या जो हम लोग का सेक्रीफिशियल रिचुअल है, तो यहाँ पर ना जो भी चेंजेस आते हैं उसका रीज़न समझ लो कि बहुत सारे रीज़न हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी बोल सकते हो आप लोग, और ऐसे भी बोल सकते हो इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, और ये भी बोल सकते हो कि जो हम लोग का एक्सपेंसिव सेक्रीफिशियल रिचुअल है तो वो क्या करते हैं, मतलब हम लोग का जो मतलब इकोनॉमिक लाइफ है आदमी लोग का तो वहाँ पे हैम्पर करते हैं, तो ये भी बोल सकते हो आप लोग, और ये भी बोल सकते हो कि हम लोग का जो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स, ठीक है, ये सब के चलते ना किसी किसी जगह में डिसकंटिन्यूड हो गए और किसी किसी जगह में मतलब स्टिल परफॉर्म बट मतलब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं करते, ठीक है, लेकिन ना किसी किसी जगह में अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में हो रहे, ठीक है, असम में नहीं तो अरुणाचल का किसी किसी जगह में, ठीक है, तो अभी भी स्टिल ओरिजिनल फॉर्म में परफॉर्म हो रहे, क्यों कर रहे वो लोग, टू प्रिजर्व आवर कल्चर, है ना, तो मतलब हम लोग को इसको प्रिजर्व करना चाहिए, कहीं नहीं तो कहीं ये हम लोग का कल्चर को दर्शाता है, ठीक है, ये सब रिचुअल हम लोग का कल्चर को दर्शाता है, तो इसको हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए, जितना हो सके उतना प्रिजर्व करना चाहिए। देखो कम्प्लीटली हम लोग इसको गिव अप नहीं करने से भी इसको करते रहना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए इसको, और जो हम लोग का अपकमिंग जनरेशन है ना वो लोग को भी इंस्पायर करना चाहिए कि ये सब रिचुअल मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए, ये सब का बारे में बोलना चाहिए वो लोग को भी, ठीक है। तो गाइस आज का ये ब्लॉग अच्छे लगे ना तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को भी दबा दो। तो मिलते हैं गाइस अगले ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग का साथ, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।